हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फिंगर बैबकस में सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूलाज का यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ये हम अपने जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी सिखा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब उनके लिए भी ये बहुत ईजी है क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आगे की जो टफ कैलकुलेशंस है जिसमें फार्मूलाज, बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड, ऐसे जो फार्मूलाज यूज होते हैं, जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ पहले आप इसको अच्छे से सीखिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल एडिशन, लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हैं जैसे हैं 5 + 1। 5 + 1 को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे? हम सबसे पहले जो राइट हैंड है उसका करेंगे थंब को अप, ये करता है 5 को सिंबलाइज। उस 1 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद ये क्या है 3, तो 3 के लिए हम राइट हैंड के कैसे करेंगे फिंगर्स को अप, 1 2 3 3 + 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 फिंगर को अप कर देंगे। तो अब इसको काउंट करो 1 2 3 4, तो क्या आंसर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 5 को हम कैसे करते हैं राइट थंब को अप करेंगे। उसके बाद क्या है 4 1 2 3 4, तो हम इसको काउंट करेंगे तो क्या होगा 5 6 7 8 9, तो जब राइट हैंड पूरा ओपन अप हो जाता है तो क्या आता है 9। उसके बाद नेक्स्ट है 31 31 को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, 1 लेफ्ट फिंगर, 2nd लेफ्ट फिंगर, 3rd लेफ्ट फिंगर, क्या हो गया 10 20 30, ये क्या है 31। और राइट हैंड के 1 फिंगर करेंगे तो क्या हो गया 31 + 5 + 5, के लिए हम क्या करेंगे राइट थंब को अप करेंगे, तो क्या हो गया ये 35 6, क्या हो गया 36, तो इसका क्या आंसर आएगा 36। उसके बाद क्या है 7 7 के लिए हम क्या करेंगे राइट हैंड का थंब जो कि किसको सिंबलाइज करता है 5 को, उसके बाद 5 6 7, ठीक है 7 + 20 20 के लिए हम लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स को अप करेंगे, तो ये क्या कितना टोटल हो गया 20 5 6 7, तो कितना हो गया 27। देखा ये कितना आसान है। तो उसके बाद क्या है 8 8 को कैसे करेंगे 5 6 7 8, उसके बाद 8 + 61 61 को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे लेफ्ट हैंड का थंब, ये क्या होता है 50, उसके बाद लेफ्ट हैंड की 1 फिंगर को अप करेंगे क्या हो गया 60 50 60 प्लस, एक और फिंगर अप करेंगे तो क्या हो गया 61। अब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना हो गया 50 60 65 66 67 68 69, तो कितना टोटल हो गया 69। उसके बाद नेक्स्ट है 69, तो 69 को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे 50 60, और राइट हैंड पूरा ओपन अप करते हैं तो क्या होता है 9 69 + 10 10 के लिए हमने एक और फिंगर को ओपन अप कर लिया, तो अब इसको टोटल करेंगे कितना हो गया 70 50 60 70 प्लस, ये वाली फिंगर्स, ये सब सारा राइट हैंड ओपन अप होता है तो क्या होता है 9, तो ये कितना हो गया 50 60 70 9 प्लस
79। तो ये कितना हो गया 79। अब नेक्स्ट है 21 को कैसे करेंगे, टू फिंगर्स लेफ्ट हैंड की कितना हो गया 20, एक फिंगर राइट हैंड की कितना हो गया 21 प्लस 57। 50 के लिए लेफ्ट हैंड थंब ओपन किया 57, 7 के लिए 5, 6, 7। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे कितना हो गया 50, 50, 60, 75, 76, 77, 78। टोटल कितना हो गया 78। उसके बाद कितना हुआ नेक्स्ट है 43 के लिए 10, 20, 30, 40। उस 3 के लिए हम राइट हैंड की 3 फिंगर्स ओपन अप करेंगे प्लस 5 के लिए हम राइट थंब करेंगे। तो टोटल कितना हो गया 10, 20, 30, 45, 46, 47, 48। आंसर इज 48। नेक्स्ट है 27 के लिए 5, 6, 7 21 अब इसको टोटल करेंगे तो 40, 45, 46, 47, 48। टोटल कितना होगा 48। नेक्स्ट क्या है 10 के लिए एक फिंगर और 2 के लिए 2 फिंगर्स, ये क्या हो गया 12। और नेक्स्ट क्या है 33 10, 20, 30 के लिए 3 फिंगर्स राइट हैंड की 33 प्लस 55 तो अभी हम इसको टोटल करेंगे 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, 88। टोटल कितना हो गया 88। नेक्स्ट है 16 10 15 16 प्लस 22 के लिए हम 2 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की ओपन अप करेंगे और 2 फिंगर्स राइट हैंड की, तो कितना हो गया 22। अब इसको टोटल करेंगे 10, 20, 30, 30 प्लस 35, 30 प्लस राइट हैंड का थंब करेंगे तो कितना 35, 36, 37, 38। तो आंसर इज 38। नेक्स्ट है 25 के लिए लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स 20 और राइट हैंड का थंब, तो कितना होगा 25 प्लस 51 को कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड का थंब और राइट हैंड की 1 फिंगर, ये क्या हो गया 51। तो टोटल अब हम करेंगे तो कितना आएगा 50, 60, 70, 75, 76। टोटल इज 76। नेक्स्ट है 82 को कैसे करेंगे 50, 60, 70, 80 प्लस 2, 82। उसके बाद प्लस है 17 के लिए हम राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की 1 फिंगर ओपन अप करेंगे तो ये किसके लिए 10। उसके बाद 7, 5, 6, 7 तो दोनों हैंड ओपन अप हो गए और इसको हम काउंट भी कर लेते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99। तो जब दोनों हैंड ओपन अप हो गए तो क्या होते हैं 99। अब उसके बाद 16 10 राइट हैंड का फिंगर करेंगे लेफ्ट थंब और 1 फिंगर, ये क्या हो गया 16। उसके बाद 73 को कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड का थंब 50, 60, 70 प्लस 3, 1, 2, 3। तो अब हम इसको टोटल करेंगे कितना हो गया 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, 88, 89। टोटल कितना हो गया 89। नेक्स्ट है 64 को हम कैसे करेंगे 50, 60,
64 के लिए हम चार फिंगर, 4 के लिए हम चार फिंगर्स राइट हैंड के ओपन कर लेंगे। तो ये क्या गया 50, 60, 61, 62, 63, 64 प्लस 35 के लिए 30 के लिए हम राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स ओपन कर लेंगे 10, 20, 30 और 35, 30 हो गया 5 के लिए हम राइट हैंड का थंब ओपन कर लेंगे। तो जब दोनों हैंड ओपन अप हो जाते हैं तो क्या होता है 99। ठीक है बच्चों, देखो ये कितना आसान है। आई होप कि आपको ये सिंपल एडिशन समझ आई होगी। प्लीज आप घर पे प्रैक्टिस करें, इससे क्या है आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रांग होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।